सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज प्रश्नावली दो देखो। पहले इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था सिर्फ दो संख्याओं को जोड़ना, इस तरह संख्याओं को जोड़ा था, इसी तरह की संख्याओं को हमने घटाना सीखा था। आज हम इसमें जोड़ना सीखेंगे, लेकिन तीन तरह की, जब तीन संख्या हो जाए तो कैसे करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, अब इसको जोड़ना है। जोड़ने का देखो दो तरीके हैं। पहला तरीका वो जो सब काम में लेते हैं, लस लेके। तो देखो तीन चार और पाँच, इसका लसा कितना जाएगा। लसा लेने के लिए पहले देखो इसमें दो का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, फिर दो का जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, अब तीन का, फिर पाँच का। तो देखो ये आपका आ गया लसा, इन गुणा कर लो, पाँच तेरह पंद्रह, पंद्रह दूनी तीस, अब तीस का डबल 60, तो आपका लसा आ गया 60। अब यहाँ देखो तीन का भाग 60 में देना है, तो तीन का भाग 60 में अगर आप देने में दिक्कत हो तो यहाँ देख लो इसको, हमारे पास है दो गुणा दो गुणा तीन गुणा पाँच, तीन का भाग देना है, इसका मतलब तीन खत्म। तो जो बची वो लिख दो, पाँच दो दस, दस को दो से करेंगे 20, तो ये 20 हो गया। ऊपर कितना है 2 प्लस, अब देखो चार का भाग देना है, तो इसमें से चार को खत्म कर दो, तो ये 2 × 2 4 हो गए, कितना बच गया 15, ऊपर कितना है 1। फिर अब पाँच का भाग देना है, तो इसमें पाँच को खत्म मानो, और ये जो बचे 6 × 6 = 12 गुणा 1, 20 को 2 से गुणा करेंगे 40, 15 को 1 से करेंगे 15, 12 को 1 से करेंगे 12, और बटे में 60। इनको जोड़ लो, 2 × 5 = 7, 1, 2 और 4 = 6, तो ये आ गया आपका 67/60। ये तो है लसा लेके। अब इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ दूसरे तरीके से। अब देखो इसको अगर मान लो आपको लसा लेने में दिक्कत आ रही है, और कम से कम वो बच्चे जो कमजोर हैं, तो आप इस तरह भी इसको कर सकते हो, दो दो संख्या लेके। जैसे इसको तो छेड़ते नहीं अपन, ये ऐसी कैसे चलते, ये मैंने आपको इसके पहली वाली क्लास में बताया था कि अगर आपको लसा लेने में दिक्कत आए तो आप इनको गुणा कर लो, नीचे की नीचे गुणा, इधर गुणा और इधर गुणा, ये संख्या ऐसी कैसी। 4 × 2 = 8, 3 × 1 = 3, और ये 4 × 3 = 12, और ये 1/5, 8 × 5 कितने हो गए 13, 8 × 3 = 11/12 प्लस 1/5। अब इनको देख लो, नीचे की नीचे गुणा, 11 को 5 से और 12 को 1 से, 5 × 12 = 60, सॉरी 5 × 11 = 55, 1 × 12 = 12 और ये 5 × 12 = 60 नीचे, 55 और 12 को जोड़ते हैं 67 और बटे में 60। तो आप चाहो तो ये वाले तरीके से कर लेना, और अगर आप अच्छे से लसा ले सकते हो तो इस वाले तरीके से। एक सवाल और बताता हूँ फिर अगले भी देख पढ़ते हैं। चलो इसको करते हैं, अब इसको भी आप आसान तरीके से करते हैं। 10, 5, 2, 2 का भाग दे लो, फिर 5 का दे लो, तो लस कितना आ गया 10, 10 लस, 10 का 10 में भाग दे लो, सीधा सीधा जा रहा है 1 × 7, 5 का भाग 10 में, अगर आप भाग देने में दिक्कत तो 5 का भाग 10 का मतलब 5 को हटा दो, कितना बचा 2,
ऊपर कितना है? दो। अब दो का भाग 10 में देना है तो 2 कोटा 2 कितना बच गया? केवल 5। और ऊपर कितना है? 3। तो ये 7, ये 4 और ये 15 बटे में 10। 7 और 4 11, 11 और 15 भाग दे लो 2 का, इसमें 13 बार और इसमें 5 बार। अगर भाग जाए तो ही देना है, नहीं जाए तो नहीं देना है। इसी को अगले तरीके से देखो, इधर अब हम दो दो संख्या लेके पीछे से कर लो, दोनों को गुणा करेंगे 10, या लिख लो पहले, इन दोनों को करेंगे और इन दोनों को करेंगे आगे, ये ऐसा का ऐसा ही, 2 को 2 से करेंगे 4, 5 को 3 से करेंगे 15 और ये 10। अब देखो, जब भी इस तरह, अभी तो आगे बढ़ लो, जब भी इस तरह नीचे समान आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, ना गुणा करना है, ना लसे लेना है, ऐसा कैसे लिख देना है बस। भाग देंगे 13 बार और ये 5 बार, ये हो गया आपका आंसर। यह आपका अभी जो 3 संख्या वाले क्वेश्चन हमने सीखे उनका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर अब हम इसके आगे पढ़ेंगे गुणा करना। देखो अब सीखेंगे हम जो हमारी भिन्न है उन भिन्नों को गुणा करना। जैसे मान लो आपके पास एक क्वेश्चन, 2 गुणा 1/5 2 गुणा 6/7 5 गुणा 2/9। जैसे मान लो ये 3 सवाल है हमारे, तो इनको गुणा करना है तो आपको बस बटे में 1 लगा लो। अगर नहीं है संख्या तो 2 को गुणा में साफ जो भिन्न वाली संख्याएं होती है उसमें ऊपर ऊपर होती है और नीचे नीचे होती है। 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5। ये आपका आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो नीचे कुछ नहीं है, लगा सकते हैं। 2 को 6 से गुणा करेंगे 12 और 1 को 7 से करेंगे 7। यहाँ है 5 को 2 से कर दो 10 और 1 को 9 से करेंगे 9। आगे देखो, तीन से ही 1/4 × 6। अब ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो ये है मिश्र बिन, तो मिश्र बिन को जब गुणा करेंगे तो पहले इसको साधारण बिन में बनाते हैं, और साधारण बिन में बनाना मैंने पहली क्लास में सिखाया है आपको। देखो इन दोनों को तो गुणा करते हैं और ऊपर वाली को जोड़ते हैं, 4 × 3 = 12 और 1 13/4 × 6। अब ये इसी की तरह बन गई पहले सवाल की तरह, अब कुछ नहीं करना है, गुणा कर लो। 13 को 6 से करेंगे बोलो 13 का पार है 78/4। अब देखो भाग जा रहा है 2 का, तो भाग देंगे अगर जा रहा होगा तो, इसमें 2 का भाग देंगे 3 9 बार और ये 2 बार। अब नहीं जा रहा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आपको ये गुणा वाले सवाल है। आगे और देखो, यदि मान लो दोनों तरफ ही आपके पास इस तरह की भिन्न आ जाए, मान लो इस तरह के सवाल है, तो इसमें भी पहले इसको तो बदलना पड़ेगा और फिर इसको करेंगे। तो 9 को 4 से ऊपर वाली प्लस 9 चौक 36 और 2 38 बटे में 9।
गुणा एक बटा दो। अब यहाँ गुणा करते हैं 38 को तो एक से कर लेंगे और नीचे की नीचे से तो ये हो जाएगा 18, भाग दे लो दो का, यहाँ 9 बार और यहाँ 19 बार, तो ये हो गया आपका। ये आपके भिन्नों को गुणा करने वाले सवाल का होमवर्क है, आप सभी विद्यार्थियों को करके इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। जो भी क्वेश्चन नहीं आए वो भी कम उसमें लिख देना, भेज देना, फिर मैं अगली क्लास जब ले आऊँगा तो आपको उनको सॉल्व करा दूँगा। और भी कर सभी बुक करके जरूर भेजना है। वेलकम सर। प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद।